कि प्रशासन जो है हम लोगों को धरना स्थल तक पहुंचने नहीं दे रही है। इनका मंशा है कि शिक्षकों को रास्ते में ही रोक करके इनके धरना को हम कुचले, लेकिन हम लोग शांतिपूर्ण धरना के लिए आए हैं और हम लोग प्रशासन से कहें कि हम लोग को शांतिपूर्ण धरना स्थल पर जाने दिया जाए। बिल्कुल शांतिपूर्वक हम लोग का प्रोसेशन है जैसा प्रशासन चाहेगी, क्योंकि पहले से हम लोग प्रशासन को सूचना दिए हुए हैं तो हम लोग अपने धरना स्थल पर जाएंगे। अभी बोले कि स्कॉट के साथ हम लोग को छोड़ेंगे, हम लोग इसके लिए तैयार हैं। सर, हम लोगों के साथ सरकार के द्वारा ये दोहरना करके जो हम लोग 15-20 वर्ष से सेवा दे रहे हैं उनको अब कहता फिर से एग्जाम दे के आप नया नौकरी में आइए, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक शिक्षक के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है, ऐसी सरकार से क्या आम जनता अपेक्षा रखेगी। कि विधानसभा मार्च भी चल रहा है और यहाँ पर देखिए कि पुलिस पदाधिकारी जो है वो समझा रहे हैं कि इससे आगे आपको जो है वो नहीं बढ़ने देना है, कि प्रशासन के तरफ से जो है थोड़ा दबाव बनाया जा रहा है कि आप धरना स्थल पर पहुंचिए। और यहाँ पर देख लीजिए कि सभी लोग जो हैं अब वो धरना स्थल पर निकल गए हैं। पूरे बिहार के शिक्षक जो है वो पहुंच रहे हैं अब अलग अलग जगहों से। यहाँ पर देखिए कि आर ब्लॉक के पास हम लोग हैं, राज्य कर्मी का दर्जा 2 शिक्षक संघ खगड़िया, और यहाँ पर पुलिस के पदाधिकारी उनको समझा रहे हैं। आप देख लीजिए, आपको पता है कि विधानसभा मार्च भी चल रहा है और यहाँ पर देखिए कि पुलिस पदाधिकारी जो है वो समझा रहे हैं कि इससे आगे आपको जो है वो नहीं बढ़ने देना है। और यहाँ पर देखिए कि आप लोग कहाँ से आए? खगड़िया से। राजकर्मी का दर्जा चलिए, तो देखिए कि जो है यहाँ पर देखिए कि पुलिस पदाधिकारी के लोग समझा रहे हैं इन लोगों को, बता रहे हैं कि आपको जो है कैसे आना है, कैसे जाना है। और यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि धरना स्थल पे जो है जाने के लिए, यानी जो गर्दनी बाग का एरिया है वहाँ पर जाने के लिए बोल रहे हैं कि धरना स्थल है वहाँ पर आप लोग जो है वो जाइए। यहाँ देख लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल शांतिपूर्वक हम लोग का प्रोसेशन है जैसा प्रशासन चाहेगी, क्योंकि पहले से हम लोग प्रशासन को सूचना दिए हुए हैं तो हम लोग अपने धरना स्थल पर जाएंगे। अभी बोले कि स्कॉट के साथ हम लोग को छोड़ेंगे, हम लोग इसके लिए तैयार हैं। रोक रहे थे उधर जाने के लिए, हम लोग मान गए, हमको धरना स्थल पर जाना है, हम लोग जा रहे हैं स्थल पर पहुंचना है। ये जो है ये बहुत सही नहीं हो रहा है। पूरी शांतिपूर्ण ढंग से लोग जाना चाह रहे हैं, कार्रवाई किया जा रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से बैठ कर धरना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग निकलिए। बहुत शिक्षक लोग जो हैं वो आगे निकल रहे हैं। इनका कहना है कि प्रशासन के तरफ से जो है थोड़ा दबाव बनाया जा रहा है कि आप धरना स्थल पर पहुंचिए। और यहाँ पर देख लीजिए कि सभी लोग जो हैं अब वो धरना स्थल पर निकल गए हैं। पूरे बिहार के शिक्षक जो है वो पहुंच रहे हैं अब अलग अलग जगहों से, खगड़िया से लोग आए हुए हैं। और इनका साफ कहना है कि भाई देखिए कि धरना स्थल पर आप लोग पहुंचे हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग और जो क्या अंतर है, आप लोग राजकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं, क्या अंतर है? सर, हम लोगों के साथ सरकार के द्वारा ये दोहरना करके जो हम लोग 15-20 वर्ष से सेवा दे रहे हैं उनको अब कहता फिर से एग्जाम दे के आप नया नौकरी में आइए, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक शिक्षक के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है, ऐसी सरकार से क्या आम जनता अपेक्षा रखेगी। जो हाँ की शिक्षकों को दबाने का मनोबल तोड़ने का काम ये सरकार कर रही है, हम शिक्षकों का ये मनोबल तोड़ने का काम सरकार कर रही है, इसीलिए हम लोग आज आए हैं संघ के आह्वान पर। और उसके बाद ये प्रशासन जो है हम लोगों को धरना स्थल तक पहुंचने नहीं दे रही है। इनका मंशा है कि शिक्षकों को रास्ते में ही रोक करके इनके धरना को हम कुचले, लेकिन हम लोग शांतिपूर्ण धरना के लिए आए हैं और हम लोग प्रशासन से कहें कि हम लोग को शांतिपूर्ण धरना स्थल पर जाने दिया जाए। और हम लोग यही कह रहे हैं कि सरकार के हर काम को हम कर रहे हैं, गांव गांव घर घर जा करके, उसके बाद हम लोग को राजकर्मी का दर्जा नहीं दे रही है। हम सरकार से राजकर्मी का दर्जा लेने आए हैं, मांगने आए। चलिए, तो काफी परेशान है, इनका कहना है कि हम लोग बताइए 15-20 साल से जो है वो सेवा दे रहे हैं, लेकिन हम लोग के साथ सरकार जो है गलत रवैये ढंग से जो है वो प्रस्तुत हो रही है। तो ये पूरा बात जो है देखिए कि यहाँ पर जो है शिक्षक संघ के लोग खास करके खगड़िया से पहुंचे हैं, प्रशासन की भी टीम आप देख सकते हैं, प्रशासन भी अपने तरफ से दुरुस्त है, प्रशासन भी भीड़ नहीं लगने दे रही है। और ये पूरा आपको पता है कि बिहार विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, काफी छोटा सत्र है, लेकिन लोगों का साफ कहना है कि हम लोग शांतिपूर्वक जो है धरना
देने यहाँ पर आए हैं। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे थे।